नमस्कार, अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हाल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार को आए 22 कोरोना पॉजिटिव केस। शहर में हुई झमाझम बरसात, शहर की सड़कों पर भरा बरसाती पानी, राहगीरों को हुई परेशानी। हरियाणा में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5% सस्ती मिलेगी प्रीपेड बिजली मीटर से बिजली। अब लोकल रूट्स पर भी बसें भेजनी हुई शुरू की गई ऑनलाइन बुकिंग। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर किया लोगों को जागरूक, नाट्य रूपांतर के माध्यम से किया जागरूक। पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, चीन को बताया गद्दार देश, आयात पर प्रतिबंध लगाने की रखी मांग। भाजपा नेता ऋषि प्रकाश ने बांटे स्लम बस्तियों में सैनिटाइजर और मास्क। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव केसेस आने के बाद मरीजों की बढ़ती हुई संख्या फिर से बरकरार रही है। ताज़ा अपडेट पर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 268 तक पहुंच चुकी है। भिवानी जिले में शुक्रवार को 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक बैंक कॉलोनी से, 3 हालू बाजार से, 3 रामगंज मोहल्ला से, 7 पतराम गेट से, 1 जगत कॉलोनी से और 1 चिरंजीव कॉलोनी से है। साथ ही एक नई अनाज मंडी भिवानी से भी है। अब तक जिले में कुल 377 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 100 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 268 एक्टिव केस हैं। वहीं जिले में 90 कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेट भी हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 122 सैंपल लिए जा चुके थे। वीरवार तक भेजे सैंपल्स में से 23 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। शुक्रवार को भिवानी शहर में मानसून की झमाझम बरसात हुई। सुबह होते ही भारी बरसात के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं पहली बरसात के बाद ही शहरवासी जल भराव व उसके निकासी से जूझते नजर आए। शहर में आज झमाझम बरसात होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही बरसात के साथ जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं शहर के मेन चौकों और सड़कों पर बरसात का पानी भी भर गया। शहर के बरसाती नालों की सफाई के बारे में बार बार शहरवासियों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मोटर खराब होने की वजह से शहर समंदर में तब्दील हो गया, जिससे शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसाती पानी भर जाने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सएन और एसडीओ ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया और जल्द से जल्द शहर का पानी निकलवाने की बात कही। शहर में पानी की बहुत स्थिति खराब है, लबालब भरा हुआ है। प्रशासन को पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी नालों की इनकी कोई सफाई नहीं हुई। आज दर्दनीय हालत है, पानी जितना भी पिंडी तक भरा हुआ है। ना ही तो बाइक निकल सकती है, ना ही कोई आदमी पैदल चल सकता है। बहुत ऐसी हालत हो गई है चारों तरफ से, भाई पानी का जैसे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। हरियाणा सरकार अपने बिजली उपभोक्ताओं को जल्द देने जा रही है इंसेंटिव। बिजली के बिलों में भी मिलेगी राहत, यह कहना है दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता रविंदर घनघस का। उन्होंने शुक्रवार को हमारे संवाददाता को बताया कि बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन डीएस ढेसी के आदेशानुसार हरियाणा में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार जल्द शुरू होने वाली बिजली की प्रीपेड सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद प्रणाली के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करना है। विभागीय सूत्रों ने बताया, इस सिस्टम के तहत मौजूदा घरेलू टैरिफ से 5% तक सस्ती बिजली दिए जाने का प्रस्ताव है। बिजली वितरण कंपनी ने इस योजना और प्रोग्रेस रिपोर्ट से हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन डीएससी ढेसी को भी अवगत करा दिया है।
प्रीपेड बिलिंग की सुविधा उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया ही हम स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट लेके आए, तो इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी है EESL, तो इस कंपनी ने हरियाणा में काम करना शुरू कर दिया है और जिसके प्रथम फेज में करीब 10 लाख स्मार्ट मीटर प्रोक्योर किए जा चुके हैं और इसमें से करीब 70,000 के अराउंड गुड़गांव में लग भी चुके हैं, गुड़गांव फरीदाबाद एरिया में। और अभी जो नए ट्यूबल कनेक्शन जो लग रहे हैं उसमें भी स्मार्ट मीटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले टाइम में, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो इसमें रीडिंग जो है मॉडम के थ्रू सीधा डाटा सेंटर पर लिया जा सकता है, तो रीडिंग लेने के लिए हमें रिमोट एरिया, खासकर जिस तरह ट्यूबल कनेक्शन है वहाँ खेत के अंदर जाके रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मॉडम के थ्रू सिम के थ्रू ऑटोमेटिक रिमोट बैठे बैठे ही आपका रीडिंग में मिल जाएगी और जिसके बेस पे हम बिल अरेंज कर पाएंगे। इसमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों फैसिलिटी है, कंज्यूमर की इच्छा रहेगी कि वो प्रीपेड या पोस्टपेड किस मोड में जाना चाहता है। प्रीपेड में जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं उसी पैटर्न पर वो अपने अकाउंट नंबर से अपने रिचार्ज करवाएगा और जो अमाउंट उसके अंदर रिचार्ज अकाउंट के अंदर जो अमाउंट होगा उसमें से ऑटोमेटिक यूनिट जितनी कंज्यूम करेगा उस पर डिडक्ट होता रहेगा, जैसे सेम पैटर्न जैसे मोबाइल का रहता है। तो क्या है कि आपके जो रीडिंग का जो डिस्प्यूट रहता था कि जिस टाइम रीडिंग लेने के लिए गए लाइट नहीं है, जब मान लो ट्यूबल कनेक्शन के अंदर, या आपका मीटर ख़राब हुआ है या किसी वजह से डिस्प्ले काम कर नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। मीटर के अंदर जो एक्चुअल रीडिंग है वो डाटा आपका रियल टाइम पे हमें डाटा सेंटर में मिलेगा और उसी के बेस पे आपका, जैसे मोबाइल के अंदर आपने एक मिनट बात की तो एक मिनट का पैसा कट गया, दो मिनट बात की तो दो मिनट, सेम उसी पैटर्न पे। तोशाम कस्बे में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पहाड़ी के चारों ओर बन रहे बरसाती नाले का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को SDM संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नाले के निर्माण के आदेश दिए ताकि जल भराव को रोका जा सके। तो शाम SDM संदीप कुमार ने आज कस्बे में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पानी की निकासी के लिए चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने तो शाम पहाड़ी के चारों तरफ बन रहे नाले का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि तो शाम में बारिश का पानी कस्बे के अंदर आ जाता है और थोड़ी सी बारिश होते ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पर पंचायत ने SDM के आदेश अनुसार तो शाम पहाड़ी के चारों तरफ जल निकासी के लिए नाला बनाया था जिससे कस्बे के अंदर पहाड़ी का पानी अधिक मात्रा में नहीं जा पाएगा। साथ ही बस अड्डे के पास इस जोड़ की भी खुदाई की जा रही है। SDM ने आज खुद जाकर इस कार्य का निरीक्षण किया और मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में अगर प्रशासन ने किसी प्रकार की ढिलाई बरती तो कस्बे में भारी जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लॉकडाउन के चलते हरियाणा राज्य परिवहन सेवा धीरे धीरे बड़े व छोटे रूट्स पर शुरू हो गई है। बस सेवा के बारे में शुक्रवार को चरखी दादरी डिपो के महाप्रबंधक धनराज कुंडू ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्होंने लगभग प्रत्येक रूट पर बस सेवा भेजना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कई हफ्तों से बंद पड़ी हरियाणा रोडवेज की सेवाओं को अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। लंबे रूट की बस सेवा शुरू करने के बाद अब लोकल रूटों पर भी बसों को भेजना शुरू किया गया है। बसों में यात्रियों के लिए अधिकतम सीमा 35 रखी गई है। इसके साथ कम से कम 15 से 20 यात्री होने पर ही बस को रवाना किया जाता है, परंतु इस दौरान बस स्टैंड पर पहुंचने वाले यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा और ना ही बस स्टैंड प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीन की कोई व्यवस्था की गई है। लोकल रूटों पर चलने वाली बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाने हेतु टिकट काउंटर भी खोल दिए गए हैं। चरखी दादरी डिपो महाप्रबंधक धनराज कुंडू ने बताया कि चरखी दादरी डिपो से लगभग प्रत्येक रूट पर बसों को भेजना शुरू किया जा चुका है। जहां लंबी रूट की बसें केवल बस स्टैंड पर ही रुकती हैं, वहीं लोकल रूटों की बसों को सभी बस स्टॉप पर रोका जा रहा है। जो लोकल गाड़ियां हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो चल रही हैं, उनको तो हमारे जो यूजुअल स्टैंड है उन स्टैंडों पर जो है ना गाड़ी रुक रही है। जो अपनी चंडीगढ़ गाड़ी जा रही है वो सिर्फ हमारे जो बस स्टैंड है, जैसे कि यहाँ रोहतक और पानीपत, तो बस स्टैंड पर ही सवारी लेती है, उतारती है और रास्ते में वो नहीं रोकते, लेकिन लोकल गाड़ी सभी रुकती है। सर, कितनी गाड़ियाँ अभी इस वक्त चल रही हैं जो कि अलग अलग रूटों पर चल रही हैं? अभी हमने अपने सारे रूट चला दिए हैं और लगभग 1 घंटे की जो है ना फ्रिक्वेंसी है, यदि अगर सवारी 20-25 भी बन जाती है तो हम रूट पर भेज देते हैं, उसी टाइम
और या फिर हम वेट करते हैं, लेकिन हमने सारे रूट चला दिए अपने दो लोग। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भिवानी यातायात पुलिस द्वारा नाट्य रूपांतर करते हुए लोगों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने भी युवाओं को किसी भी प्रकार के नशीली दवा नहीं लेने के लिए प्रेरित किया। शुक्रवार को यातायात पुलिस भिवानी द्वारा नशे के दुष्परिणामों को बताते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर यह अभियान चलाया गया, जिसके तहत जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने रवाना किया। नशे के बुरे परिणामों को बताने वाले स्लोगन्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाते हुए नशे से दूर रहने की अपील लोगों से की गई। इतना ही नहीं, नाट्य रूपांतर के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास इस दौरान किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस के ऊपर पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से दूर रहें, बिल्कुल भी नशा नहीं करें, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। और इस बारे जगह जगह पोस्ट लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर में भी लोगों को, आम जनता को, युवा वर्ग को, जो नशे में ग्रस्त युवा वर्ग है, उसको इसकी बुराइयों से सचेत करने के लिए जो हमारा मंच है रावेरी मंच, उसके साथ ही जो हमारे यहाँ के प्रेस के साथी हैं वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और यहाँ के मौजूद जो व्यक्ति हैं, संगठन हैं, वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारे जो ट्रैफिक एस एच ओ हैं, सी टी एस एच ओ, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार नशा है वो एक जीवन को रोकना कर सकता है और रोकना ही नहीं कर देता, सारी की सारी जिंदगी को कठिनाइयाँ यहीं से आरम्भ होती हैं। समाज के अंदर नशा, शराब, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, सभी तरह का नशा हमारे समाज को दीमक की तरह खाए जा रहा है, और इस नशा को छुड़वाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हमारे पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को इससे जागरूक किया जा रहा है कि नशे से क्या क्या शरीर में कमियाँ होती हैं, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, और सभी नशा करने वाले को, समाज में सभी व्यक्तियों को इसमें जागरूक किया जा रहा है कि नशा को छोड़ें। हगिरी की टीम ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है कि लोगों को नशा मुक्त होने का ये प्रेरित किया है, ताकि आदमी खुद भी नशा कम करे और लोगों को भी प्रेरित करे कि नशे के क्या क्या दुष्परिणाम है, उसके बारे में आज पुलिस ने सारा जागरूकता अभियान चलाया है। नशे के बुरे परिणामों को बताने वाले स्लोगन्स के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाते हुए नशे से दूर रहने की अपील लोगों से की गई। इतना ही नहीं, नाट्य रूपांतर के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास इस दौरान किया गया। ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, जो ड्रग अब्यूज डे आज मना रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि हमारा दिमाग जो होता है वो अपना होना चाहिए। जो भी ड्रग अब्यूजिंग है, चाहे हम दारू हो, बीड़ी हो, भांग हो, धतूरा हो, मॉर्फिन हो, पैथिडिन हो, जितने भी टाइप के अब्यूजिंग ड्रग हैं, वो सबसे पहले हमारे दिमाग पर अटैक करते हैं, वो तो दिमाग को काबू में करने के बाद तो हम उनके आदि हो जाते हैं और हम सही और गलत के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते। ये उसी तरह यहाँ एक उदाहरण है, जैसे कि कोई नाव को बैठा हो और उसका चाकू चलाने वाला कोई और, तो चाकू चलाने वाला उसकी मर्जी होती है, वो नाव को कहाँ ले जाए। ऐसे ही हमारा दिमाग हमारा ना रह करके अब्यूजिंग ड्रग के हवाला हो जाता है, तो जो उसको अच्छा लगता है, जो जिस साइड में ले जाना चाहता है उसकी तरफ ले जाता है। तो हमारा जीवन अपना है, यो दिमाग भी हमारा अपना ही रहे तो बढ़िया रहता है, इसकी बुरी संगत में हम ना पड़ें। बुरी संगत के दो या तीन मेन कारण होते हैं। संगति, स्टार्टिंग में जो यंग ब्लड होता है वो गलत संगति में पड़ करके ये बुरी आदत सीख लेते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, जो बच्चा, जो कोई आदमी ऐसी बुरी आदत के लिए प्रोत्साहित करे कि ये या दोस्ती के नाम से कर लो, तो उसको तुरंत ये कहना है तू मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि गलत सलाह देना वो दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। वीरवार शाम को गांव बामला के निकट गांव कालुवास निवासी 28 वर्षीय अमृत सिंह ने रेलगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। वहीं जीआरपी चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया।
गुरुवार शाम को एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम अमृत सिंह था, जिसकी उम्र करीबन 28 साल थी और ये गांव कालुवास का निवासी था। मृतक पिछले 8 महीने से मानसिक रूप से परेशान बताया गया और इसी के चलते गुरुवार को ट्रेन के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। मौके पर जीआरपी पुलिस ने पहुंचकर मृतक के पिता सतीश के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। अमृत सिंह सन्नोब सतीश दानक आरओ कालवाला कालवास जिला जवानी आयु 21-22 साल। मृतक का कारण ये था कि कई दिनों से दिमाग से पागल था, 8-9 साल से। क्या कार्य करता था सर? ये घर पर मजदूरी मिलती करता था, बाकी कोई खास काम नहीं करता था। तो किसके बयान पे क्या कार्रवाई की गई है? इसके पिताजी और इसका चाचा, इसका पिताजी सतीश कुमार है जागीराम का और इसका चाचा राजेश, इसके दोनों जानों पर 174 की कार्रवाई सीआरपीएफ अमल में लाई गई। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी नेता चौधरी सोमवीर सिंह, चौधरी हरि सिंह सांगवान, अमर सिंह हलवासिया व चेयरमैन शीशराम इत्यादि ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को शहीद स्मारक पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने भी कहा कि चाइना ने भारत की पीठ में छुरा घोप कर युद्ध के हालात पैदा कर दिए। भारत और चीन के बीच बने युद्ध जैसे हालातों में भारत के सैनिकों को छल द्वारा हमला करके शहीद किए जाने पर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भिवानी के शहीद स्मारक पर पहुंचकर भारतीय सेना शहीद सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता ने कहा कि चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन चीन हमेशा धोखा करता रहा है। अब फिर चीन ने भारत के साथ धोखा करके हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मांग की कि चीन से आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाकर हमारे देश के सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का मुकाबला करते हुए जो हमारे वीर सेनानी अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके लिए आज हमने उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत ही दुख की बात है, ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारे सैनिक नेत्थे थे और उन्होंने गद्दारी की। ये सोचने की बात है, चीन कभी हमारा नहीं हुआ और ना कभी हमारा होगा। ये एक गद्दार देश है, लेकिन हमारी सरकार इनको नहीं समझ पाई, बीजेपी सरकार, और वो उनके जा के उनको झूले झुलाते रहे, उनके यहाँ खाना खाते रहे। और आज उस शहीदों का जो अफसोस है, उससे ज़्यादा अफसोस हमें इसलिए है, अगर ये इनके हाथ में हथियार होते या कुछ होते तो आज चाइना हमारे आगे रुक नहीं सकता था। हमें गर्व है, हमारे सैनिक बिना हथियार भी उनका मुकाबला किया, लेकिन जो इस टाइम शहीद हुए हैं, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं। चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ धोखा किया है। हमारे सब कांग्रेस जिनको इस बात का बड़ा अफसोस है, पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और फौज के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आज सबका भी कांग्रेस जन हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और सरकार से निवेदन करते हैं, केंद्र सरकार से सख्ती के साथ पेश आए। और जो ढीला रवैया उन्होंने अपना रखा है, चीन हमेशा धोखा देता रहे, चीन के विश्वास के काबिल नहीं है। हमारे जवानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, आम जन के अंदर इस बात का बहुत हम। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी नेता ऋषि प्रकाश शर्मा ने भिवानी शहर की स्लम बस्तियों में जाकर कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। वहीं बावड़ी गेट निवासी प्रदीप ने भी मास्क वितरित करते हुए लोगों को महामारी से बचने की सावधानियां बताई। भिवानी शहर धीरे धीरे पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आने लगा है। हर रोज लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अनेक सामाजिक संगठनों ने इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कमर कस रखी है। इसी कड़ी में भाजपा नेता ऋषि प्रकाश शर्मा और बावड़ी गेट निवासी प्रदीप ने मिलकर स्लम बस्तियों में जाकर लोगों को इस बीमारी के लिए जागरूक किया और उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे। ऋषि प्रकाश शर्मा ने बताया, इस महामारी के दौर में हमें मास्क और सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जहां मास्क से हमें मुंह ढककर रखना चाहिए, वहीं सैनिटाइजर से बार बार हाथों को साफ भी करना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से खुद को बचा सके। सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगा करके बाहर जाना, मास्क लगा करके ही आवश्यक काम से निकलें, ज़्यादातर अपने घरों में रहें,
इस प्रकार की हिदायत के नाते से और पार्टी की और एक साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में और कोरोना के दौरान में ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया भर के अंदर दुनिया में महामारी का जो दौर रहा है उससे हिंदुस्तान को बचाने का जो काम किया है वो संदेश भी घर घर पार्टी कार्यकर्ता जा कर के दें। आज हमें यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर में आकर के और वाल्मीकि समाज के बहनों से भाइयों से आकर के मिले हैं, उनको सबको बताया है, उनको मास्क और सैनिटाइज वितरित किया है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार को आए 22 कोरोना पॉजिटिव केस। शहर में हुई झमाझम बरसात, शहर की सड़कों पर भरा बरसाती पानी, राहगीरों को हुई परेशानी। हरियाणा में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5% सस्ती मिलेगी प्रीपेड बिजली मीटर से बिजली। अब लोकल रूट्स पर भी बसें भेजनी हुई शुरू की गई ऑनलाइन बुकिंग। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर किया लोगों को जागरूक, नाट्य रूपांतर के माध्यम से किया जागरूक। एलएसी पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, चीन को बताया गद्दार देश, आयात पर प्रतिबंध लगाने की रखी मांग। भाजपा नेता ऋषि प्रकाश ने बांटे स्लम बस्तियों में सैनिटाइजर और मास्क। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवाड़ी हलचल।